Now we will start with the next exercise, that is the application of midpoint theorem and its converse. अब अभी हम midpoint theorem का proof मैं करवाऊंगी, converse की we will do the statement only. Afterwards, if it is to be done, we will see afterwards whether to do it or not. So we'll do the proof of midpoint theorem. 8.2 exercise. This is the application of midpoint theorem. Right. So let us see what is midpoint theorem and how to prove it. बेटे अपनी आवाज बंद रखना, बीच बीच में बोलने के आते हैं जो है ना, अपनी सुधार. हाँ जी, सबसे पहले अच्छे से समझना इसकी स्टेटमेंट, देन वी विल स्टार्ट विद द प्रूफ. दिस थ्योरम इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द एक्सरसाइज 8.2 इज कंसर्न. Until or unless you are not knowing the meaning and the application of this theorem, you will not be able to attempt the question, or you will not be able to do the questions proofs of exercise 8.2. And moreover, this theorem, you will see that in 10th standard also, somewhere or in the another way, you will use this theorem in standard 10th also. So what is midpoint theorem? Let us see. Hanji, listen. Chapter is quadrilateral, but the main thing that is to be taken into consider is that this theorem, it will hold in case of triangle. No doubt we are doing quadrilaterals, but theorem, midpoint theorem, it will hold in the figure geometrical figure named triangle. Chapter हमारा quadrilateral है, पर theorem किस में होगी? Triangle में. सबसे पहले वी विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम. व्हाट द स्टेटमेंट इज, लेट मी टेल यू. लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is parallel to third side and equals to half of its length First of all, I'm talking about line. What that line is, how it is coming. Line joining the midpoints. Kiske midpoints? Two sides. Kiski two sides of a triangle. First of all, we are talking about a line, and line is being obtained by joining what? Midpoints. Of two sides, kiski? Triangle. लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होगी? ये लाइन इज पैरेलल टू किसके? थर्ड साइड, तीसरी साइड के पैरेलल होगी, एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ. और साथ ही साथ उस थर्ड साइड के साथ इसका एक और रिलेशन होगा, दैट दिस साइड विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. अब इतनी बात याद रखना, पूरी स्टेटमेंट में इज के बाद जो भी लिखा हुआ है, दैट इज टू बी प्रूव. लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, यहां तक हमारा गिवन हुआ. इज दैट मींस फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव इज क्या? पैरेलल टू द थर्ड साइड, दिस वी वॉन्ट टू प्रूव, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, दिस वी वॉन्ट टू प्रूव. टू थिंग्स वी आर हैव टू प्रूव. आपको पता है कि कभी भी कोई इंग्लिश के सेंटेंस में अगर कोई इंफॉर्मेशन दी हो, तो सबसे पहले आप कितनी भी एक बंदे के बारे में कैरेक्टरिस्टिक बोल दो, राम हु इज माय बेस्ट फ्रेंड, वेरी ऑबीडियंट, कम्स टू स्कूल डेली, सिट्स इन द क्लास विद फुल डिसिप्लिन, इज माय बेस्ट फ्रेंड, इसके बाद पता चला कि आप राम के बारे में कहना क्या चाहते हो. इसी तरह से आफ्टर दिस होल स्टेटमेंट, व्हेन इज वर्ड इज देयर, द लिंकिंग वर्ड इज देयर, आफ्टर दैट यू कम टू नो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव इन दिस थ्योरम. चलिए, लाइन ज्वाइनिंग द डैश ऑफ, बोलो, मिड पॉइंट ऑफ डैश साइड ऑफ ए डैश
is dash to dash side and equals to half of its length. ये हमारे पास स्टेटमेंट, माने भी फटाफट से स्टेटमेंट बोल दो. आप बोलो, आप ही बड़ी जुगनी गाते हो, आप बोलो. चलो आप उसको बहुत घूर रहे हो ना, आप ही बोल दो. Of a third side, midpoints of a two sides of the third side. क्या बात है? धैर्य, आप बोलो. Line joining the midpoints of a two sides of a triangle is parallel to third side and equals to half of its length. ये हमारी स्टेटमेंट है जिसको कि हमें याद रखना है. हम एक चाहते हैं कि एक बार कानिश भी बोल दे ये स्टेटमेंट. हाँ चलो, यस यस यस, क्वाइट, नो कमेंट ऑन एनी वन्स नेम. यस, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ. केशव आप बोल दो एक बार, क्वाइट केशव. केशव यू स्पीक instead of looking here and there. आपने देख के बोल दी, चलो यानी हाँ आपने बोल दी, अच्छा लगा, बैठ जाओ. Why we are repeating this statement? Please quiet. Why we are repeating this statement again and again in the class? Because most of the time the theorem is like this only, state and prove midpoint theorem, and in that case you should know the statement as well. Aapko statement bhi pata honi chahiye, because theorem is like state and prove. Kabhi kabhi one marks mein bhi aa jati hai that state midpoint theorem, then you just have to write the statement. To ye hamare paas statement hai. कोई भी प्रूफ हो बिना फिगर के हम उस प्रूफ को जो है वो आगे नहीं चला सकते. प्लीज बीच में बोलना मत, आई एम टेलिंग यू देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट, बेटर टू कीप क्वाइट. सबसे पहले वी मेक फिगर ऑफ द क्वेश्चन, मेक अ ट्राइंगल एबीसी. एंड राइट डाउन गिवन एज वेल, गिवन a triangle ABC, given a triangle ABC, midpoints को join करके line आएगी, in which D and E are midpoints of sides AB and AC. Respectively, in which D and E are midpoints of sides AB and AC. बच्चे मत लिखो कुछ, जरूरत ही नहीं है. In which D and E are midpoints of sides AB and AC respectively. D को join कर दो. To prove in midpoints ko join karke hamare paas jo line bani, you can see it is DE. We want to prove that this line is parallel to the third side. Ab third side kaun si bachi? BC. Kyunki in dono lines ka occupation ho chuka, pehle isko occupy kar liya D and E ne. Bachi line BC, so third line is BC. DE is parallel to BC, and moreover we need to prove that DE is equal to half of BC. This line is going to be parallel to the third side. And moreover, this line is equal to half of the length of the third side. This is what we want to prove, that this line will be parallel to the third side and is equal to half of the length of the third side. कभी कभी आपके पास वैल्यू दी होगी बीसी की, क्वेश्चन एप्लीकेशन बता रही हूं इसकी वन मार्क में. Suppose you are given BC to be 12 और आपको DE की वैल्यू फाइंड करनी आ जाएगी, तो आप क्या कहोगे?
six half उसकी half because midpoint theorem state that this length will be half of the third side. ठीक है, तो ये तो हुई इसकी application, ये हमारे पास given and this is our two proof. अब जहां तक इसका प्रूफ, इसके प्रूफ का सवाल है मिडपॉइंट थ्योरम के प्रूफ का, तो द पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डिक्टेट नाउ अंडर द हेडिंग कंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई शुड से दैट इज द बैकबोन ऑफ द प्रूफ ऑफ द थ्योरम. राइट डाउन वन पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स द कंस्ट्रक्शन मीन्स द चेंजेस दैट वी आर गोइंग टू मेक इन द फिगर. राइट डाउन कंस्ट्रक्शन, construction, draw CF parallel to AB, draw CF parallel to AB, ये CF जो कि AB के parallel मैंने draw किया, meeting DE produce at F, meeting DE produced, मतलब कि DE को बढ़ाने पे, at F, meeting DE produced at F, draw a line DE, draw CF parallel to AB, meeting DE produced at the point F. ये जो हमारी construction हमने अभी अभी की है, this is going to be the backbone of the proof of the theorem. Let us start with the proof. ठीक है, प्रूफ में अब आपने, हमने प्रूफ की स्टार्टिंग कैसे करनी है, लेट मी टेल यू. जब तक ये प्रूफ खत्म नहीं होएगा आपको पता नहीं चलेगा कि सीक्वेंस में इसको कैसे हमने रन करना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट हाउ टू स्टार्ट इट्स प्रूफ. प्रूफ का, प्रूफ की स्टार्टिंग में व्हाट वी पीपल डू, पूरी फिगर में अल्टरनेटिवली हमें जो है वो दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं. आई एम टेकिंग वन इज ट्राइंगल ए डी ई, राइट डाउन इन ट्राइंगल ए डी ई, एंड अनदर यू टेक इट एज ए डी ई सी एफ ई. मेरे को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ई पे साथ कंसाइड करना चाहिए, इसलिए मैंने सी ई को पीछे लिया. इधर को हमने बाहर से लिया एडीई, तो इसको भी बाहर से सीएफ. एंड वी कंसीडर दिस टू ट्राइंगल एडीई एंड सीएफई, स्टार्टिंग विद ए, गोइंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द फिगर एडीई, कमिंग बैक टू द फिगर, एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम सी, गोइंग टू द आउटसाइड ऑफ द फिगर सीएफ एंड कमिंग बैक टू द फिगर सीएफई. टू ट्राइंगल्स वी हैव कंसीडर in the starting point of the proof of midpoint theorem. Now our target is to prove these two triangles to be congruent. Sabse pehle hum in dono triangles ko congruent prove karenge, dekhna kaise. First of all write down angle 1 is equal to angle 2 vertically opposite angles. Angle 1 is equal to angle 2, write it to be vertically opposite angles. Now, you know, this E, this is midpoint of AC. Given hai hume that E is midpoint of AC. So, midpoint ka matlab kya hota hai? Midpoint is a point which divide the line into two equal parts. So, we can write AE is equal to CE. Samne samne hai? Bilkul hai. AD is equal to CE. AE is equal to CE. क्लियर यहां तक? अब देखो ये हमारी फिगर ने हमें बताया, दिस द गिवन इज टेलिंग, एंड वन थिंग वी हैव डन इन कंस्ट्रक्शन दैट विल गिव अस द थर्ड थिंग. लेट मी टेल यू हाउ वी डिड द कंस्ट्रक्शन दैट दीज टू लाइंस दे आर पैरेलल, राइट? वी डिड इट दैट सीएफ इज पैरेलल टू एबी. Due to construction, these two are parallel. And if you are taking this to be transversal, you can have this angle 3 and this angle 4, what kind of angles? Alternate interior angles. कैसे कर देंगे? कैसे? ऐसे थोड़ा, दो अलग अलग ट्राइंगल, मतलब एक दिल्ली में बैठा हुआ है बंदा, एक पंजाब में है,
तो कैसे उनका मतलब हमारा करा सकते हैं। ये जो थ्योरम है वो एक ही ट्राइंगल में लगता है, दो ट्राइंगल्स में नहीं। यस लिसन, सो वी कांट टेक AD इक्वल टू CF, वी विल टेक एंगल, इसको 2 लिख लो, सॉरी 3, ठीक है, दिस इज 3 इक्वल टू 4, ये वाला रीजन देके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो इन दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंसी विच इज टू बी डन, एंड द 3 थिंग्स वी आर नीडेड इन द कॉन्ग्रेंसी, three things we are needed in the congruency. First thing we have taken from the figure, second thing we have taken from the given, and third thing we have taken from the construction. Now you see, if I consider the one side of the figure, this is angle 1 AE and angle 3, this ASA rule se triangles kya ho gaye, congruent. Triangles got congruent by using ASA rule. Angle side angle rule से हमारे पास दोनों triangles congruent हो। अब ये congruency हमने क्यों की? ये congruency हमें अपने given proof तक कैसे लेके जाएगी? This is our target. चलो, let us see further. अब आपको पता है कि हमारा टारगेट है कि हम इस डीई को बीसी के पैरेलल प्रूव करें। इसके लिए अगर मैं डीई को बीसी के पैरेलल प्रूव करना चाहती हूं तो मिड पॉइंट थ्योरम की आपने एक बात याद रखनी है, पूरी फिगर में जो ये लोअर पोर्शन में आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, आई एम जस्ट कर्लिंग इट, डी बी सी एफ, योर टारगेट शुड बी टू प्रूव दिस क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। Because if it is parallelogram, then using the you can say definition of the parallelogram, we can say that opposite sides of parallelogram are parallel. So this will automatically parallel to it. So हमें इनको किसी तरह से parallel prove करना है। तो अगर हमें इनको parallel prove करना है, ये congruency हमने क्यों की? ये बड़ा यहाँ पे point है। देखना जरा ध्यान से। जैसे ही हमने इन दोनों की congruency prove की, I am taking my CPCP. That AD is equal to CF. Write down. This implies AD is equal to CF. Equation number 1 by CPCT. CPCT से रिदे बिहेव योरसेल्फ। CPCT से हमारे पास AD equal to CF आ गया। ठीक है, listen. AD equal to CF आ गया। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने तो बोला कि AD CF के इक्वल आया CPCT से। अर्पिता, शी इज इन मेडिकल रूम आई थिंक, बच्चे टेक हर बैग टू देयर आउट, मेडिकल रूम गई हुई है, उसका बैग दे दो। हां जी लिसन चैतन्य, बस हमारा कमेंट करना जरूरी नहीं है। AD इक्वल टू CF, ये बाय CPCT आया। बट अगर हम फिगर के अकॉर्डिंगली देखें, लिसन, तो हमारे पास ये AD किसके इक्वल था? अपने गिवन के अकॉर्डिंगली AD किसके इक्वल था? DB, why so? Because D was midpoint of, लिखो DB इक्वल टू CF हो जाएगा by using given AD equal to DB, this is by using given, ये given use करके हमारे पास आया। दो equations आ गई जिसमें कि दो चीजें CF भी AD के equal है and DB भी AD के equal है, and इन दोनों equation से we can conclude using Euclid's you can say prescriptions that CF is equal to DB. Write down from 1 and 2. From 1 and 2, CF is equal to DB. From 1 and 2, we conclude CF is equal to DB. CF हमारा DB के equal आ गया जब हमने equation number 1 and 2 को compare किया। एक मिनट, CF DB के इक्वल,
And if I say that CF is parallel to DB, will you agree? Yes. CF DB के parallel है. कहाँ से पता चला? Construction से. By construction. अब देखना जरा. फटाफट से अब हम इस conclusion पे पहुंचेंगे कि हमारा जो quadrilateral है वो parallelogram बन चुका है. Listen, look at the board. This is DBCF. This quadrilateral. In which we are concluding that DB is equal to CF and DB is parallel to CF. तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एक ही पेयर से किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो उस पेयर में दोनों प्रॉपर्टीज आ जानी चाहिए, इक्वलिटी की भी और पैरेललोग्राम पैरेलल की भी. तो एक पेयर इक्वल भी हो गया, पैरेलल भी हो गया. दिस इंप्लाइज बी सी एफ टी इज अ पैरेललोग्राम. राइट डाउन. दिस इंप्लाइज, एक मिनट, दिस इंप्लाइज, हां जी, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए एक में दोनों क्वालिटीज आ जाएं तो बन जाता था. दिस इंप्लाइज बीडीएफसी इज ए क्वाड्रिलेटरल. दिस इंप्लाइज बीसीएफटी. राइट डाउन. दिस इंप्लाइज बीसीएफटी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड. BCFD is a quadrilateral in which one, नहीं आप आगे लिखेंगे ना, BCFD is a quadrilateral in which one pair of opposite sides gets equal as well as parallel. One pair of opposite sides gets equal as well as parallel. Therefore, BCFD is a parallelogram. हम यहां तक पहुंच गए कि BCFT हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया. रीजन बता के लिखा मैंने, जो रीजन कंक्लूड किया उस पे पहुंचे. लिसन, नाउ लुक एट द बोर्ड. दिस कम्स आउट टू बी पैरेललोग्राम एंड वी नीड टू प्रूव दैट दिस DE इज पैरेलल टू BC. हमारा प्रूफ तो इसी ट्राइंगल में है ना, बट अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड का कोई भी पेयर ले लो वो पैरेलल होगा. सो वी कैन राइट that DF parallel to BC. Write down. This implies DF parallel to BC. एक मिनट मुझे conclude करने को पहले. DF parallel to BC. हमारा मकसद इस DF को BC के parallel prove करना नहीं था. Our target was DE को BC के parallel prove करना. पर अगर एक पूरी line किसी line के parallel है तो उसके रास्ते में आने वाली line भी उसके parallel होगी. This implies DE parallel to BC. आधी बात हमने प्रूव कर दी that line joining the midpoints of the two sides of the triangle is always parallel to the third side. Half of the proof been finished. I will just repeat it. एक बार इसको आराम से नोटिस करो क्या क्या हमने किया. एक बात आपने याद रखनी है midpoint theorem के प्रूफ में. केशव एंड जयंत सिट प्रॉपरली. मिडपॉइंट थ्योरम के प्रूफ में वन थिंग यू विल रिमेंबर वेरी केयरफुली. कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आफ्टर डूइंग द कंस्ट्रक्शन योर टारगेट इज टू प्रूव दिस क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम. इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने का फर्स्ट स्टेप होगा वी विल प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट. आफ्टर प्रूविंग दीज टू ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट यूजिंग द सीपीसीटी कॉन्सेप्ट एंड द गिवन we will reach to the fact that BD is equal to CF. Dono sides equal aa gayi, parallel construction se thi, ek pair of side equal parallel ho gaya to quadrilateral kya ban gaya? Parallelogram. Aur jaise hi ye quadrilateral parallelogram bana, we can say that its opposite sides are parallel, so DE is parallel to BC. This proves that line joining the midpoints of the two sides of the triangle is always parallel to its third side. आधी बात हमारी प्रूफ हुई. गुरशान जी प्लीज चुप कर दे. आधी बात हमारी प्रूफ हुई है. आधी बात अभी बाकी है जिसमें हमें ये बताना है दैट DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. हमें DE को BC का हाफ भी तो लिखना है. लेट अस सी हाउ. देखो जरा ध्यान से. एक तरह से मुझे DE एंड BC के बीच में इक्वल टू का साइन चाहिए, हाफ चाहिए, वन बाय थ्री चाहिए, वो बात की बात है. दोनों में इक्वल टू का साइन चाहिए.
सबसे पहले इक्वल टू का साइन लाने के लिए मैं अकेला डीई ले ही नहीं सकती, बिकॉज बीसीएफटी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ओपोजिट साइड्स इक्वल होती है, वहां से मेरे पास इक्वल का साइन आ जाएगा। क्या इक्वल है, हमारा टारगेट है कि नहीं हमें नहीं पता, बट हम इतना कह सकते हैं बीइंग अ पैरेललोग्राम द साइड डीएफ दिस इज इक्वल टू बीसी। ऐसा लिखने से एक तो मेरे पास इक्वल टू का साइन आ गया और दूसरा मैंने प्रूव करना है डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, BC भी मेरे को दिखने लग पड़ा। कुछ हद तक मुझे अपने प्रूफ की चीजें दिखी by using this concept that if this is a parallelogram, therefore opposite sides are equal. सारा हमारा प्रूफ इस लाइन में है, बट हमें इसको कंसीडर करना है। ये सोचते कुछ बच्चे कहते हैं कि इसमें हमारे पास D तो है नहीं, मैम ने तो DF इक्वल टू BC लिख लिया, तो ये कैसे प्रोसीड करेंगे? करेंगे हम, बट कम से कम हमारे पास इक्वल टू का साइन। And Jayant, I'm giving you the last warning, you're not sitting properly in my class. Continuously you are laughing. So, ये DF equal to BC आ गया। हमें तो DE को देखना है। बिल्कुल देखेंगे हम DE को। See, this DF is consisting of two parts. कौन कौन से? DE plus EF. DE plus EF. अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमारे पास DE एंड BC का रोल है, EF का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब किसी तरह से हमने इस EF को भगाना है और DE को इसकी जगह पे लेके आना है। अगर आपको याद हो हमने ADE को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था CFE के, रिमेंबर? और इस कॉन्ग्रेंसी से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये FE और DE इक्वल हैं, डू यू एग्री? साइड पे लिख दो, बिकॉज दिस इज कॉन्ग्रेंट टू दिस, दिस इंप्लाइज DE इज इक्वल टू FE एंड यूज हियर रिप्लेस FE बाय DE। बड़ी चलाकी से हमने सारे एक्सप्रेशन में DE और BC को अपेयर करा दिया जो कि हमारा टारगेट है। सबकी सुनी जाएंगी क्वेरीज, पहले एक बार प्रूफ खत्म होने दो। नाउ डीई प्लस डीई, हर्षित आई एम नोटिसिंग ईच एंड एवरीथिंग, यू डोंट वरी। मेरे को पता है कि आप आज क्लास में सिर्फ 2-3 बच्चे हैं जो बाकी सब आराम से सुन रहे हैं। डीई प्लस डीई, दिस इज 2 टाइम्स डीई इक्वल टू बीसी, सो डीई इज इक्वल टू नथिंग बट हाफ ऑफ बीसी। दिस वॉज वट वी वॉन्ट टू प्रूव दैट डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। हाँ जी, डी इज इक्वल टू ई। पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो पैरेलल भी प्रूव हो जाएंगी एंड लेंथ हाफ भी इक्वल हो जाएगी। वेरी इजी थ्योरम, सिर्फ एक बात याद रखनी है दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज टू बी प्रूव्ड अ पैरेललोग्राम। एंड कॉन्ग्रेंसी को भी हमने 2 बार यहाँ पे यूज करना है। वन बाय वन यू कैन आस्क योर क्वेरी, आफ्टरवर्ड्स वी विल रिपीट द सॉल्यूशन वंस अगेन। ये वाला कॉन्ग्रेंसी यहाँ तक पता चला डीएफ बीसी के पैरेलल है, डीएफ को 2 हिस्सों में बांट भी दिया अकॉर्डिंग टू द फिगर, और फिगर के अकॉर्डिंग डीएफ बिकम डीई प्लस ईएफ। मुझे अपने प्रूफ में डीई भी चाहिए, बीसी भी चाहिए, ईएफ नहीं चाहिए। आई यूज अ कॉन्ग्रेंसी दैट दिस डीई इज इक्वल टू एफई। ऑलरेडी वी हैव प्रूव दिस कॉन्ग्रेंसी। सो एक बार वन बाय वन, हां जी कृपाल, जो हमने पहले कॉन्ग्रेंसी की थी मैम, आपने एफ सी इक्वल टू डीबी किया था मैम, तभी हम डीएफ डीएफ इक्वल टू बीसी करके इसको पहले। एक मिनट, एफ सी इज इक्वल टू बीडी कॉन्ग्रेंसी के बाद आया था, कॉन्ग्रेंसी के बाद ही मैम। अगर मैम ये प्रूव कर लेते डी इक्वल टू ईएफ, मैम इतना आगे वाला स्टेप नहीं करना। चलो वहां लिख दो, मैंने यहां लिख दिया है, एक ही बात है। यस, हां जी तमीन, यू आस्क योर क्वेरी। क्वाइट तो अगर अच्छा क्वाइट, अगर आप यहाँ पे हाफ अप्लाई करके करना चाहते हो फिर भी तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि हाफ ऑफ डीएफ इज वाई डीई, हाफ ऑफ डीएफ डीई क्यों है, ये फिर आपको बताना पड़ेगा। इसलिए है क्योंकि दोनों इक्वल है, है ना? हाँ पूछो तुषार। व्हेन समवन इज आस्किंग द डाउट यू आर नॉट सपोज्ड टू टॉक टू ईच अदर। लो जी, मिड पॉइंट थ्योरम ही तो कहती है कि ऐसा होगा।
एक मिनट मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में लिसन, आपकी क्वेरी ठीक है बट थोड़ा सा आप गलत जा रहे हो, देखो ध्यान से। थ्योरम में हमने बोला दैट डीई विल पैरेलल टू बीसी, अदरवाइज इट इज मिसिंग इन द बुक एज वेल, बुक में लिखा हुआ है सिर्फ इतना दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, आपकी स्टेटमेंट यहीं पे फिनिश है बुक में। मैंने साथ में आपको एडिशन में एक चीज लिखवाई है एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। एक मिनट, यानी कि दोनों ही चीजें सेम थ्योरम का प्रूफ है, सेम थ्योरम की एप्लीकेशन है। तो आप थ्योरम को प्रूफ करते टाइम उसी की एप्लीकेशन को यूज करना इट्स नॉट अलाउड। हां जी लिसन, अब जरा आवाज अपनी बंद कर लो। हां जी नवनीत कौर स्टैंड अप, ऑल ऑफ यू प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्टेप्स वी आर गोइंग टू रिपीट। किसी की भी टर्न आ सकती है, अगर आपको नहीं पता चलेगा आप अपनी कॉपी से देख सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव ड्यूरिंग दिस रिवीजन ऑफ द थ्योरम। यस लिसन टू अदर्स वेरी केयरफुली, किसी की कहीं पे कोई गलती हुई मैंने नहीं पकड़नी, आपने पकड़नी है। चलो सबसे पहले जो जो आप कहोगे हम वैसे वैसे मैं करती जाऊंगी। सबसे पहले नवनीत विल स्पीक द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। प्लीज एक मैं एक चीज बता दूं, 5 to 7 minutes प्लीज इन्वेस्ट इन द क्लास टू दिस थ्योरम, इट विल बी विद यू ऑलवेज। पूरा सिंसियरिटी से सुनना। हाँ जी लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड, इसने एक वर्ड मिसिंग कर दिया बीच, ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। बैठ जाइए। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाया एबीसी, उस ट्राइंगल में मुझे जबकि क्या मार्क करना चाहिए सबसे पहले? हाँ बिल्कुल ठीक, डी एंड ई मिड पॉइंट मार्क कर लिए। अब उसके बाद हमें क्या कर देना चाहिए? प्रूव कर देना चाहिए। पहले इसको ज्वाइन करो। फिगर कंप्लीट हो गई। यस क्वाइट, फिगर कंप्लीटेड। नवेदिता अकॉर्डिंग टू दिस फिगर व्हाट वी वांट टू प्रूव? बिल्कुल ठीक निवेदिता ने बताया दैट डी इज पैरेलल टू बीसी एंड डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव। बैठ जाइए बेटे। डीई पैरेलल टू बीसी एंड डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव। ये हमें प्रूव करना है। आवाज बंद। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आया था जिसको कि हमने बोला दैट इज गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ द थ्योरम एंड दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। हर्षिता कैन यू टेल दैट पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए बी मीटिंग डी प्रोड्यूस एट द पॉइंट एफ। आफ्टर गेटिंग दिस फिगर we are getting two triangles in this figure. Firstly, we have proved those triangle to be congruent. You tell me the name of those two triangles. ADE, shabash. बाहर से लोगे दूसरा ट्रायंगल भी CFP। बैठ जाओ। इसकी congruency में हमने तीन चीजें यूज की, ठीक है? बता सकते हो कौन कौन सी तीन चीजें? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यस क्वाइट प्रभजोत। नेक्स्ट ए इज इक्वल टू सी, कहां से? मिड पॉइंट, ठीक है। तीसरी चीज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बैठ जाओ। ट्राइंगल्स गेट कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद हमने दो चीजें उठाई, एक अपने गिवन की दैट AD इक्वल टू DB, दूसरी इस कॉन्ग्रुएंसी की दैट AD इज इक्वल टू CF, ठीक है? और यहां से हमने क्वाड्रिलेटरल में एंट्री कर ली दैट DB इज इक्वल टू CF। क्वाड्रिलेटरल में जैसे ही एंट्री हुई DB CF के इक्वल आया, हम फिर से दोबारा कंस्ट्रक्शन में गए, वहां से हमने देखा कि DB तो CF के पैरेलल भी था, तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम। चलो विल कंटिन्यू।